तो दोस्तों आज हो गया 17 मार्च 2021, बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी बताया समाचार लिखा है। सिर्फ आपके लिए चली फाफड़ खबर शुरू करते हैं, उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्र प्रवक्ता ने किसान आंदोलन को तेज करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसान दिल्ली नोएडा बॉर्डर को ब्लॉक करेंगे। उन्होंने कहा कि हाँ, हम दिल्ली नोएडा बॉर्डर को ब्लॉक करेंगे, कमेटी ने अभी तारीख तय नहीं की है। आपको बता दें कि 3 कृषि कानून के खिलाफ पिछले साल नवंबर महीने में शुरू हुआ किसान आंदोलन दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर अभी भी जारी है। इससे पहले मध्य प्रदेश के जबलपुर में राकेश टिकैत ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन तब तक चलेगा जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाते और दिसंबर के बाद किसान आंदोलन में आगे की कार्रवाई के बारे में निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि जबलपुर से 45 किलोमीटर दूर सिहोरा में एक रैली को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम में अपनी उपज नहीं बेचेंगे। रैली के स्थान और उसके आसपास टिकैत की तस्वीर वाले कुछ पोस्टरों को कल रात फाड़े जाने की घटना पर राकेश टिकैत ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाई का किसानों या उनके आंदोलन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आज की दूसरी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग द्वारा सिक्योरिटी डायरेक्टर को हटाए जाने के मामले को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि ऐसा के उनकी हत्या किए जाने की साजिश रची जा रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह की ओर इशारा करते हुए ममता बनर्जी ने पूछा कि क्या गृह मंत्री अमित शाह देश को चलाएंगे या फिर बंगाल में हमें परेशान करने की साजिश रचेंगे? क्या बीजेपी मेरा हत्या कराने की साजिश रच रही है? आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि उन्होंने मेरे सिक्योरिटी डायरेक्टर को हटा दिया है। बांकुरा रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि चूंकि अमित शाह की रैली में भीड़ नहीं इकट्ठी हो रही है इसलिए वे निराश हो रहे हैं। मुख्यमंत्री की तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने दावा किया कि झाड़ग्राम जिले में बीते दिन होने वाले अमित शाह की रैली किसी टेक्निकल दिक्कत की वजह से नहीं बल्कि कम लोगों के आने के चलते रद्द की गई थी। आपको बता दें कि रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश चलाने के बजाय वो कोलकाता में बैठे हैं और टीएमसी नेताओं को परेशान करने की साजिश रच रहे हैं। वो क्या चाहते हैं? क्या वो मुझे मारना चाहते हैं? क्या उन्हें लगता है कि वो मुझे मारकर ये चुनाव जीतेंगे? वह गलत है। मुख्यमंत्री ने यह भी सवाल किया है कि क्या चुनाव आयोग अपनी स्वतंत्रता खो चुकी है। आज की तीसरी बड़ी खबर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को लोकतंत्र को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन और लीबिया के मोहम्मद गद्दाफी भी चुनाव जीतते थे। अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशुतोष के साथ ऑनलाइन बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि सद्दाम हुसैन और गद्दाफी भी चुनाव करवाते थे और उन्हें जीतते थे। ऐसा नहीं था कि लोग वोटिंग नहीं करते थे, लेकिन उस वोट की सुरक्षा के लिए कोई संस्थागत ढांचा नहीं होता था। उन्होंने कहा है कि चुनाव सिर्फ ये नहीं है कि लोग जाए और वोटिंग मशीन पर बटन दबा दे, चुनाव एक अवधारणा है, चुनाव संस्था है, चुनाव सुनिश्चित करते हैं कि देश की ढांचा ठीक से चल रहा है। चुनाव वो है कि न्यायपालिका निष्पक्ष हो, संसद में बहस हो, इसलिए वोटों के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। आपको बता दें कांग्रेस नेता ने 2 विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में स्वतंत्रता और लोकतंत्र की स्थिति की आलोचना किए जाने के संदर्भ में कहा है कि देश को इन संस्थानों से मोहर की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ हालत इनकी कल्पना से भी ज्यादा खराब है। आज की चौथी बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार में ना तो शासन है और ना ही सुशासन। हकीकत यह है कि राज्य में शासन नाम की कोई चीज नहीं है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार में कथित सुशासनी राज्य में हर रोज हत्या, लूट, अपहरण और बलात्कार की घटनाएं हो रही है। आंकड़ों के हवाले से दावा किया कि 1990 में 1,24,414 संज्ञेय अपराध दर्ज हुए थे, 2005 में यह घटकर 1,11,598 तो 2005 में 97,850 हो गए। अपराध कम होने के बावजूद जंगल राज बताने वाले बताएं कि अभी कौन सा राज चल रहा है जहां अपराधी दरोगा का इंकाउंटर कर रहे हैं। सत्ता में शामिल भाजपा के नेता ही कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। मैडम, आई स्टैंड टू अपोज द डिमांड फॉर ग्रांट्स ऑफ ईयर 2021-22 फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड माय प्राइमरी रीजन ऑफ अपोजिंग दिस इज दैट इन दिस ministry demand there is no such concrete steps have been shown or taken in last 6 years by this particular ministry to improve the education upliftment of the Muslim minorities, to ensure that the dropout rate decreases. And I put to you, madam, to the honorable minister, that the literacy rate of Muslims in the country is 68.5%. The national literacy rate is 74.04%, and the Muslim female literacy rate is 62%, and the national literacy rate is 65.44%. Now, madam, if you, the own honorable minister's ministry survey of 2018-19 says, 16-17 says that the Muslim enrollment as percentage
in the education, in the primary and higher education is only 13.14%. His own survey of 2018-19 All India Survey for Higher Education shows that there are only 19.5 lakh Muslim students in higher education. Out of that, 9.93 lakh are boys, 9.65 lakhs are girls. That is only 5.23% of the total enrollment in higher education. The Prime Minister talked about, I will give Muslims in one hand Quran, one hand computer. His own ministry's survey, madam, of 2018-19, the percentage of computers in Muslim household is only 16%, second lowest. Internet in household, Muslims only 32%, again second lowest. Now when it comes to computer operations, again second lowest, 38%, his own ministry survey. Thirdly, madam, may I also point out through you to the government that his own, the Kundu committee report has been given to the government. The Kundu committee report from page 74 to page 97 lays down all the ills which the Muslims are facing. And the reason for the highest dropout rate, they say, is they have listed out 8 factors. Biggest is financial constraint. I had demanded removal of Hajj subsidy. That 600 crore should have been given for Muslim girls' education. No mention. What does the Kundu committee report say, madam? At the age of 7 years, there is 100% attendance is observed among all minorities, amongst Hindu OBCs and other upper castes. But for Muslims, it is 90% and 94% for SC and ST. Dropout rate again, madam. At the dropout rate for Muslims starts at the age of 10 years. Same for SC and ST. For other communities, whether Hindu OBCs, upper caste, it starts from 11 years. This in itself shows that you have not done anything for the education upliftment of Muslims. Madam, third point which I want to bring to the government notice through you is that the Aligarh Muslim University campus, the honorable member from Kerala has raised it. Kishanganj in Bihar is the most backward area of our country, Simanchal. Madam, you know that in this B.Ed. degree course, there is no affiliation given by National Council for Teacher Education. May I request the Honorable Minister, sir, at least give affiliation for that B.Ed. courses from National Council for Teacher Education. Why haven't you opened more number of courses? Please, I demand from the government, allocate 500 crores in this Kishanganj AMU campus to start new courses. That because that area of Simanchal deserves this education institute. Madam, my fourth point which I want to bring to notice of the government is that Institute of Eminence. Why have you left out Jamia Millia University? The top 10 university of our country doesn't find a mention in the Institute of Eminence. I don't know why such biasness is being shown in not including Jamia Millia University. Madam, my fifth point about national education policy. I strongly condemn this approach of this government of promoting homogeneity in the country through national education policy. The beauty of our country is heterogeneous. You are doing that, and then your NEP does not talk about upliftment of Urdu. It does not talk about how you will control the dropout rate of Muslims. Nothing is mentioned. And madam, may I also bring to notice of you is that this whole total education budget is out of that 44,000 comes from education cess, 4,800 crores from National Investment Fund. So basically the fate of allocation, it depends on cess education and disinvestment proceeds. If tomorrow disinvestment proceeds or the cess education comes down, you will be the sufferer. It is, you have mentioned in your documents. Madam, my sixth point which I want to bring to the notice of the government is this not a fact that the total union budget spending on education as percentage of union budget in 2015 it was 3.8. Look at your approach to the education sector, it has come down to 2.7%. This shows that you are not at all serious, because your data says there is a drop of union budget spending on education as percentage of budget. Madam, my fifth point I want to know from the Honorable Minister, sir, National Institute of Open Schools, under Indian Knowledge and Heritage, you have included Ramayana and Gita, have no issues. But why have you not included Quran, Bible and Guru Granth Sahib? And madam, you are an eminent lawyer. You know law much better than me also. Article 28, madam, by including teaching of Ramayana and Gita,
in National Institute of Open School, isn't that violation of Article 28? A complete violation of Article 28. And what has stopped you from including Quran and Bible and Guru Granth Sahib? That is why I say that you do not believe in the diversity of this country. For everything you want to bring in your Hindu ideology in education. That is why, madam, I stand to oppose. My demand is make scholarship for minorities demand-driven. Make it demand-driven. Every year, madam, 1 crore Muslim boys and girls are being denied scholarship. Why? Because you have fixed a number. You proudly claim this number has been given. But 1 crore are denied. This is the fate of the Muslim education in primary education, higher education. I hope that the government would wake up from this slumber and do something constructive for the education upliftment of Muslim minorities. Thank you, madam.